दो, हमने हमारी हार कबूल कर ली है। नहीं, मेरी जीत तो तब होगी जब तुम दोनों मरोगे। ठीक है, मार दो हमें। ऐसे शर्मनाक हार के बाद तो हमारा मर जाना ही अच्छा है, लेकिन मारने से पहले तुम हमें हमारी आखिरी इच्छा नहीं पूछोगे? बोलो, क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा? तुम्हें एक नाटक दिखाना है। नाटक? हाँ, सोचा था तुम्हें हराने के बाद दिखाएंगे, लेकिन लेकिन तुम लोग खुद हार गए। कोई बात नहीं, नाटक तो मैं अब भी देख सकता हूं, और नाटक के बहाने ही सही, अपनी आखिरी सांसें जी लो, क्योंकि नाटक खत्म होने के साथ ही मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। अब सोच क्या रही हो तुम? शुरू करो अपना नाटक। मैं मरने वाले को ज्यादा वक्त नहीं देता। उसके लिए हमें घर चलना पड़ेगा। घर? तुम्हें पता है ना वहां सब होंगे। बाकू तू चिंता मत कर, इस वक्त घर पर कोई नहीं होगा। चले। अरे क्या बात कर रहे हो भाई, मुझे अमृता पे लाइन मारनी पड़ेगी? अरे ना ना, मुझसे ना होगा। होने वाली भाभी पे लाइन मारना पहलवानों को शोभाना देता है। अरे अमृता हमारी होने वाली भाभी थोड़ी ना है। ये बात कर रहे हो, बबल ने कोई और लड़की पसंद कर ली? अरे नाना, किसी और लड़की ने बबल को पसंद कर लिया है। किसने? इच्छा ने। है? अरे लेकिन आपने तो मुझसे कहा था कि वो। अरे सुन तो मेरी बात। इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई? अरे हाँ छोटे, मुझे जाना था जापान, मैं पहुंच गया चीन। अब इस रास्ते को सुधारना पड़ेगा। हैं? अमृता और बबल की शादी तोड़वानी पड़ेगी और इच्छा और बबल को मिलवाना पड़ेगा। भाई वैसे भी मुझे ये अमृता लड़की ना कुछ ठीक ना लगती, लेकिन अगर आप कह रहे हो तो आपके लिए मैं इच्छा के रास्ते के कांटे को हटा दूं। अरे छोटे, ये छोरी बबल के कमरे में दूध लेके फिर जा रही है। अप्पू, देख के नहीं चल सकते? ये कोई मैदान है जो तुम ऐसे? सॉरी सॉरी, मेरे दोस्त ने बुलाया ना, इसलिए मैं सॉरी जल्दी में था। जैसा बाप वैसा बेटा। मेरी एक कोशिश बाप की वजह से नाकाम गई और दूसरी बेटे की वजह से। प्रबल सबल बबल खड़ा कहाँ रह गए सबके साथ? अरे के बात है दादी, आज पूरी मंडली इकट्ठी कर रखी है। सेल लगी है पागल खाने में, एक पागल को भर्ती कराने पे 1000 रुपए देवे। अरे कैसी बातें कर रही है तू दादी, 1000 रुपए के लिए तेरे को पागल खाने में थोड़ी भर्ती करेंगे हम। अरे भाई, माँ ने किसी दूसरे काम से हम सबको यहाँ बुलाया है, समझा? कौन सा काम? प्रबल पता आज कौन सा दिन है? आज सोमवार। अरे नाना, आज तो मंगलवार है। अरे बुध 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 है आज, बुध नहीं मंगलवार है आज। अरे मैं बता रहा हूँ आप। अरे चुप करो, तुम लोग सब भूल गए कि हर महीने आज के दिन हम शिव जी के बड़े वाले मंदिर जाते हैं और उन्हें दूध चढ़ाते। अरे दादी वही तो, ये सब तो भूल गए ठीक है, लेकिन ये बात मैं कैसे भूल गया पता नहीं। हाँ ये बड़े अचंभे की बात है, तू कैसे भूल गया? वही तो खड़क, इसे बादाम नहीं खिलाता तू। अरे माँ, तू भी किसके साथ बातें ठोकने लगी, इसको छोड़ जल्दी मंदिर चल। अरे चलेंगे तब ना जब तेरी लुगाई पूजा की थाली लेकर आएगी। अम्मा जी, पूजा की थाली और दूध का कलश मैंने पूजा घर में सब तैयार करके रखा हुआ है। ममता, तुझे बोला था ना पूजा की थाली लेकर आना, क्यों नहीं लाए? आपने कब बोला? बोला था ना तुझे, जाना लेकर आना।
जो जो ठीक है मैं लेके आती हूँ। सब तो आ गए लेकिन ये इच्छा कहाँ रह गई? इच्छा अम्मा जी वो घर में ना है। ये छोरी कैसे भूल गई? जब से वो इस घर में आई है हर महीने आज के दिन हमारे साथ मंदिर आई है वो। एक छोरी भी ना इतनी गुणी है लेकिन ये बीच बीच में पता नहीं से के हो जावे। लीजिए माँ जी अब चले, घड़ी देर हो रही है, चलो निकलते। अमृता तुझे अलग से न्योता देना पड़ेगा क्या? दादी जी मुझे भी आना पड़ेगा। हाँ छोरी तो अब इस घर की होने वाली बहू है, अठारे हाथों से शिव जी को दूध चढ़वाऊंगी। जी दादी जी चल आज। आओ सुनाती हूँ तुमको एक कहानी। एक छोटे से गांव में थे एक राजा और एक रानी। एक दिन उनके घर आई एक खुशी नन्हे कदमों के साथ दौड़ती हुई हंसती हुई खिलखिलाती हुई। मुबारक हो महाराज आपको बेटा हुआ है। बस तीन ही लोगों की छोटी सी दुनिया, प्यार का निवाला अपने पन की छाया। नन्हे बच्चे की तो चहक ही निराली थी, दोनों ओर प्यार चारों ओर खुशहाली थी। और अचानक जो कभी ना सोचा था वो हुआ। प्यार की बस्ती में नफरत का हल्ला बोल हो गया, चीखें गूंजने लगी, वही खून की नदियां। घर टूट गया राजा का, लाल हुई वादियां। अपनी रानी और राजकुमार की ढाल बना राजा लड़ता रहा, अपनी सांसें दे दी लेकिन उनकी सांस जोड़ता रहा। किस्मत नाराज थी, है उसका अंजाम हुआ। राजकुमार आज के बाद पिता के बिना अनाथ हुआ। अब रानी की बारी थी, बच्चे की जिम्मेदारी थी। लहूलुहान पैर थे, बदन में दर्द बोल रहा था, बिना खवैये के जैसे डूबता जहाज जोल रहा था। एक पल की बुराई और एक पल का कहर था। कल तक जहां बागान था आज वहां शहर था। एक शमशान में राजा था और एक शमशान में रानी थी। राजकुमार के कंधे पर आज अच्छाई का जनाजा था। दिल में दर्द था, मुंह में आ थी। जहां राजकुमार की आग खुली वहां ज्वालामुखी की आग थी। अब बस था बदला दिमाग में, अच्छाई से विश्वास उठ चुका था। बुराई के जंगल में खोया इस कदर, माँ की ममता पिता का सपना टूट चुका था।
बस बस, अब ना तुम खुद रोओगे ना किसी और को रुलाओगे। देखो अगवंश, मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, बुराई बुराई का मरहम नहीं बन सकती, वो ताकत सिर्फ अच्छाई में है। लेकिन मैं कैसे सालों से जो आग मेरे अंदर थी वो उसे कभी ना कभी तो बुझना ही था अगवंश। हम सबने अंगारे में आग देखी है, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा मुझे ऐसे लगा जैसे इस आग में एक दर्द है, और जब ये दर्द आंसू बनकर बह जाएगा सब ठीक हो जाएगा। और देखो आज वही हुआ। अगवंश अब तुम जाओ, खुद एक अच्छी जिंदगी जियो और औरों को भी जीने दो। अरे सुन तो, पंडित जी के हिसाब से अगले हफ्ते में एक शुभ मुहूर्त निकला है। अरे दादी, पंडित जी की किताब पुरानी हो चुकी है, उस पर भरोसा करके कोई फायदा ना है। मैं नई किताब पढ़ के आया हूँ, उसके हिसाब से अगले 2 साल तक कोई अच्छा मुहूर्त ना है। के बकवास कर रहा है तू? तेरे कहने का मतलब है कि अपना बब्बर और 2 साल तक कुंवारा रहेगा? अरे तो क्या हो गया, बचपन से लेके अब तक कुमारा है? अरे जब 25 साल निकाल दिए तो 2 साल और सही। क्यों छोटे? हाँ भाई, उतना टाइम तो मेरे को भी लगेगा अमृता को पटाने में। अरे क्या पुछर पुछर कर रहे हो, जोर से बोलो। क्या क्या बोल रहे हैं हम? छोरा, अगले हफ्ते का शुभ मुहूर्त निकला है, तुझे कोई ऐतराज तो ना है? नहीं दादी, जैसा आप ठीक समझे। अरे तू क्या हाँ में हाँ मिला रहा है? और नहीं तो क्या, गोद भराई की तैयारी इतनी जल्दी थोड़ी हो जाती है। अरे भाई, किसकी गोद भराई करा रहा है तू? अपने पास कोई ऑप्शन भी है के? चलो भी बताओ कौन कौन पेट से है। भाई एक और छोटा आएगा और उसका नाम हम रखेंगे ट्रबल। मुंह धोना है पिताजी। अपनी लाल किताब निकाल के देख। अपने बब्बल की सगाई की बात चल रही थी। ए छोरी, कहाँ चली गई थी, बहुत देर से दिखाई ना दी। बताती हूँ दादी, एक मिनट। ए चोरी, क्या कर रही तू, दिया क्यों जला रही है? विश्वास रखिए दादी, कुछ नहीं होगा। देखा खड़क, इच्छा ने दिया जलाया और कुछ भी ना हुआ। अब कुछ होगा भी नहीं दादी, मैं अभी अभी अग्निदेव के मंदिर से आ रही हूँ, उनका प्रकोप पूरी तरह से दूर हो गया है।
ममता जा, घर में जितने दिए सब लेकर आ जा और घर का कोना कोना दिए से सजा दे। अग्नि देवता ने हम सबको माफ कर दिया। चलो बताओ सब बैठे, चलो चलो दिए जलाते हो। अरे दिए जला दे। अग्वंश, अग्वंश कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे बात करनी है। अग्वंश सामने आओ। अग्वंश अब नहीं आएगा अमृता, मैंने कहा था ना आज का दिन उसका आखिरी दिन होगा। ये क्या बकवास कर रही हो तुम इच्छा? सच सच कह रही हूँ मैं। जिस अग्वंश को तुम जानती वो अब मर चुका है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता इच्छा। ये हो चुका है, अग्वंश का आतंक खत्म हुआ और अब तुम्हारी बारी। इच्छा, अभी भी वक्त है अमृता, सुधर जाओ, छोड़ दो अपनी ये हरकतें। अमृता, जहर बोगी तो जहर उगेगा, प्यार बोगी तो प्यार उगेगा, नफरत करके तुम क्यों खुद को अपनी नसीहत अपने पास रखो इच्छा, और चली जाओ यहाँ से। जाऊंगी जाऊंगी, लेकिन अपनी बात पूरी करके। देखो मैं जानती हूँ मैं अपनी जगह पर सही हूँ, जीत भी मेरी होने वाली है, लेकिन फिर भी तुम्हें एक सलाह दे रही हूँ तुम्हारे भले के लिए। बब्बल जी से शादी और नागिस्तान की बर्बादी, ये दोनों ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो और चली जाओ विशलगढ़ वापस। और अगर मैं मना कर दी तो पिछली बार अग्वंश के लिए दूध लाई थी, अगली बार तुम्हारे लिए ले आऊंगी। मैं कहीं नहीं जाने वाली इच्छा, मैं यहीं रहूंगी और तुम्हारी आंखों के सामने पप्पल से शादी भी करूंगी। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश तो होगा लेकिन कब और किसका ये तो वक्त ही बताएगा। एकदम हीरो लग रहा है अब अमृता, तो क्या दुनिया की कोई भी लड़की तुझसे पड़ जाएगी। सच भाई? अरे तेरा भाई कभी झूठ बोलता है क्या? ठंडा है ये भाई, फुसफुस क्यों मार रहे हो मेरे को? अरे इसे लगाने से खुशबू अच्छी आवे और जिसके पास से खुशबू अच्छी आवे लड़की उससे फटाक से पड़ जावे। भाई फिर तो थोड़ी और मार दो। भाई आशीर्वाद भाई। अरे लड़ छोटे लड़, अमृता के दिल से बबल को निकाल के खुद को उसमें फिट कर। भाई ये तो हो जाएगा, लेकिन मेरे को एक डाउट है भाई, अगर अमृता मुझसे सच में पट गई तो मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी भाई। अरे आगे की मत सोच, मैं जो बोल रहा हूँ वो कर अभी। जैसी आपकी आज्ञा भाई, अब ये सबल अमृता को बब्बल की जिंदगी से हटा कर ही दम लेगा। भाई ये अमृता इससे पहले क्या तबेले बबेले में काम करती थी? जब देखो दूध लेके घूमती रहती है। तू भी उससे कम थोड़े ना है, खींच ले गिलास पी ले दूध और उससे पहले ये ले। अरे भाई क्या हो गया आपको, दूध के साथ गुलकंद खावे हैं, गुलाब ना खाते। अरे तेरे खाने के लिए ना है, अमृता को देने के लिए। पकड़ भाई, लेगी वो? आगी वो, आगी वो। खोल दबाश। अमृता जी। Yes? कमाल है, मैंने अभी तक आपसे कुछ पूछा भी नहीं और आपने पहले ही हाँ कर दिया। थैंक यू जी। मेरे यस का मतलब है जी कहिए। ये आपके लिए। थैंक्स। ऐसे ना, एक हाथ ले दूसरे हाथ दे, मैं आपको ये फूल दूंगा
आप मुझे अपना वो दूध वाला ग्लास दे दो। जी ये बबल जी के लिए। तो उसमें क्या हुआ, मैंने पी लिया तो बबल बुरा ना मानेगा। जी पर मुझे बुरा लगेगा, आप प्लीज जाइए यहाँ से। बबल जी आपके लिए दूध। नहीं मेरा अभी दूध पीने का मन नहीं है। जी पीजिए ना, मैं आपके लिए बहुत प्यार से लेकर आई हूँ। अमृता अब तुम इतने प्यार से दे रही हो तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। अमृता तुम्हारे हाथों से मैं दूध क्या जहर भी पी लूँ।